गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इस एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2021 के बारे में। तो मैं आपको 7 बाइक के बारे में बताने वाला हूं जो आपको इसी साल इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। और ये वीडियो काफी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इन सभी बाइक्स की मैं की स्पेसिफिकेशन, इनकी प्राइस, इनकी लॉन्च डेट यही सब बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी छोटी होने वाली है, तो वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बाइक के बारे में बात करें तो ये है बजाज के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू NS250 के बारे में। जी हां गाइस, काफी टाइम से इस बाइक को स्पाइड किया जा रहा है इंडिया में और आप लोगों ने काफी सारी इस बाइक की फोटोज भी देख ली होगी। अभी आप लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हो, ये अभी रिसेंटली इस बाइक को इंडियन रोड पे टेस्टिंग करते हुए देखा भी गया है, जिसमें इस बाइक के जो लुक्स है वो थोड़े बहुत हमें देखने मिल रहे हैं। वहीं बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में तो गाइस, ऐसा बताया जा रहा है 248.8 cc डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको इस बाइक का इंजन देखने मिल जाएगा, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 30 PS का देखने मिलेगा एंड मैक्सिमम टॉर्क 24 Nm का देखने मिल जाएगा। साथ ही के साथ इस बाइक के फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएगी और इसी के साथ आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर किया जाने वाला है। इस बाइक का जो इंजन होगा वो आपको सिंगल सिलेंडर 4 valve लिक्विड कूलिंग के साथ देखने मिलेगा, जो कि एक FI इंजन होगा और DOHCT यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन आपको इस बाइक के साथ ऑफर किया जाने वाला है। वहीं बात करें इस बाइक के कुछ और फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलेगा, जिसमें आपको सभी इंडिकेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टेकोमीटर, ये सभी आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलने वाले हैं। बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में तो इस बाइक की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो है 1,60,000 एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस के साथ ये बाइक हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है इसी साल नवंबर यानी कि दिवाली के आसपास ये बाइक हमें इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में तो ये है KTM के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू अपकमिंग RC 390 का नेक्स्ट जनरेशन। जी हां गाइस, इस बाइक को भी काफी टाइम से टेस्टिंग किया जा रहा है, इंडियन रोड्स पे भी इस बाइक को काफी टाइम से देखा जा रहा है। और इस बाइक के अगर चेंजेस के बारे में बात करें तो जो मेन चेंजेस आपको इस बाइक में देखने मिलने वाले हैं वो है इसके लुक्स और फेयरिंग को लेकर। इस बाइक में काफी सारे नए ग्राफिक्स एड ऑन होने वाले हैं। बात करें इस बाइक के मेन चेंजेस के बारे में तो इसका जो फ्रंट लुक है वहां पे आपको चेंजेस देखने मिलेगा, जो इसका हेडलैम्प सेक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज किया गया अगर आप लोग इसको पुरानी RC 390 से कंपेयर करते हो। और साथ ही के साथ गाइस, इसमें बताया जा रहा है LED DRLs के ऑप्शन देखने मिलेंगे और जो टर्न इंडिकेटर्स होंगे वो आपको हेडलैम्प में ही इंसर्ट हुए दिखेंगे, तो ये एक नया चेंज किया गया है इस बाइक में। वहीं बात करें इसके नेक्स्ट चेंज के बारे में, जो इसका TFT यूनिट है वहां पर आपको चेंज देखने मिले। हे गाइस, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिनोमो। इस एप्लीकेशन की हेल्प से मैं अपने डेली के जो भी कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसिव वो निकाल लेता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह मैं अर्निंग करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें मैंने 1 सेकंड को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है डेमो अकाउंट। मैं यहाँ पर अपने रियल मनी से ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने रियल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैंने 3500 को सिलेक्ट किया है। अब आपको प्रिडिक्शन करना है कि जो ग्राफ ये अप जाएगा या डाउन, तो मुझे लगता है जो ग्राफ ये अप जाएगा तो मैं यहाँ पर अप पर क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैसे अर्न कर लिए। और गाइस, जो भी पैसे आप लोग यहाँ से अर्न करते हो उसे डायरेक्टली आप लोग अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस एप्लीकेशन के साथ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिनोमो एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करते हो इस एप्लीकेशन को तो फ्री में आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना सीख सकते हो एंड उसके बाद अपने रियल अकाउंट से। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देगा जो पुरानी RC 390 आती थी उसके कंपेयर में आपको लार्जर इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलेगा इस नेक्स्ट जनरेशन RC 390 में, और कलरफुल TFT यूनिट आपको इस बाइक के साथ देखने मिल जाएगा। और साथ ही के साथ बताया जा रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फंक्शन इस बार कंपनी ऑफर करने वाली है। बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में तो गाइस, यहां पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की गई
है KTM के तरफ से, जिससे इस बाइक का जो इंजन है और भी ज्यादा स्मूथ और मोर इफिशियंट बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इसमें आपको सेम 373cc डिस्प्लेसमेंट के साथ लिक्विड कूलिंग के साथ आपको इस बाइक का इंजन देखने मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर 43 PS का प्रोड्यूस करता है एंड 37 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। और इसके मैकेनिकल टर्म में एक जो मेन चेंजेस आपको देखने मिल सकता है वो है इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को लेकर। जी हां गाइस, इसमें बताया जा रहा आपको लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS के साथ ये बाइक आपको देखने मिलेगी, जो कि फिलहाल आपको KTM की 390 एडवेंचर आती है उसमें आपको ये फीचर्स दिया जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है ये जो न्यू RC 390 आने वाली है इसमें भी आपको ये फीचर्स देखने मिलेंगे, जिससे ये बाइक और भी ज्यादा सेफर और भी ज्यादा ट्रैक फ्रेंडली हो जाएगी। बाकी इस बाइक में आपको फुली LED हेडलैम्प्स देखने मिल जाएगी, चाहे बात करें इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स की या टेल लाइट्स की या टर्न इंडिकेटर्स की, सभी में आपको LED लाइट्स ऑफर की जाने वाली है। इस बाइक को और भी ज्यादा एरोडायनामिक बनाया जाने वाला है। इसके जो साइड पैनल है वहां पर आपको एयर वेंट्स देखने मिल जाएंगे, जिससे इस बाइक की जो एरोडायनामिक्स है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो है 280,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो इसी साल के एंडिंग तक बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। तो इस बाइक का काफी लोग वेट कर रहे हैं, ये है यामाहा के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू R15। जी हां गाइस, इस बाइक की फैन फॉलोइंग इंडिया में काफी ज्यादा है। बात करें इस बाइक के चेंजेस के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में तो गाइस बताया जा रहा है इस बाइक में भी लुक वाइज काफी सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। इसका जो फ्रंट लुक है वो बताया जा रहा है यामाहा की जो R7 आती है उसी से इंस्पायर्ड होगा। बाकी इंजन वाइज आपको इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेंगे क्योंकि BS6 के बाद जो R15 के पावर आउटपुट से वो थोड़े कम हो गए थे। तो यामाहा वालों की यही कोशिश रहेगी कि वर्जन 4 में फिर से वही पावर ऑफर करे। बाकी इसमें वही 155cc डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका इंजन देखने मिल जाएगा, जो कि एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन होगा। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाएगी। इस वर्जन 4 में बताया जा रहा है 20 से लेकर 22 HP तक हमें मैक्सिमम पावर देखने मिल सकता है और 18 से लेकर 20 न्यूटन मीटर तक हमें मैक्सिमम टॉर्क देखने मिल जाएगा। बाकी इसके मेन चेंजेस के बारे में बात करें तो वो है इसके सस्पेंशन को लेकर, जहां पर हमें फ्रंट सस्पेंशन में USD4 को ऑफर किए जा सकते हैं इस बाइक के साथ। करंटली आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क देखने मिलते हैं, लेकिन बताया जा रहा है जो ये वर्जन 4 आएगा इसमें आपको USD4 को ऑफर कर सकती है कंपनी। बाकी इसके और चेंजेस के बारे में बात करें तो वो इसके ग्राफिक्स और कलर स्कीम को लेकर ही होने वाले हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बताया जा रहा है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, लेकिन इसमें आपको एक जो मेन चेंज देखने मिलेगा वो है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको फाइनली अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी देखने मिल जाएगा। बात करें इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 1,65,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो गाइस बताया जा रहा है ये बाइक इसी साल को लॉन्च होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है TVS के तरफ से आने वाली इनकी अपाचे RR 310 का नेक्स्ट जनरेशन। जी हां गाइस, ये बाइक इसी महीने यानी कि अगस्त 30 को इस बाइक का लॉन्च है। इस बाइक में भी काफी सारे नए चेंजेस किए जाने वाले इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल या इसके लुक्स को लेकर भी, जहां पर कंपनी इस बाइक में नए कलर ऑप्शन भी एड ऑन करने वाली है और इसके जो ग्राफिक्स है वो भी आपको नए देखने मिलने वाले हैं। मैकेनिकल टर्म्स में बताया जा रहा है इस बाइक के इंजन को थोड़ा रीट्यून किया गया है TVS वालों के तरफ से, जिससे इस बाइक का जो इंजन है और भी ज्यादा स्मूथ हो गया है और इसके इंजन में आपको लेस वाइब्रेशन देखने मिलेगा। इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें 312.2cc डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको इसका इंजन देखने मिलता है, जो कि एक रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है और ये इंजन सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग के साथ हमें देखने मिलता है। बात करें इस इंजन के मैक्सिमम पावर और टॉर्क के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है इसमें 34 PS का ही मैक्सिमम पावर देखने मिलेगा एंड 27.3 Nm का पीक टॉर्क आपको देखने मिल जाएगा। और एक और जो चेंज होगा इसके राइडिंग मोड्स को लेकर बताया जा रहा है TVS वाले थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें कुछ फीचर्स और कंपनी एड ऑन करने वाली है। बाकी 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का गियरबॉक्स देखने मिल जाएगा और इस बाइक में आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच का ऑप्शन भी देखने मिलता ही है, जो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने मिलेगा ही। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर इस बाइक में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सेम आपको 300mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगी फ्रंट में एंड 240mm की डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगी रियर में, और साथ ही के साथ आपको ड्यूल चैनल ABS भी इस बाइक के साथ ऑफर किए जाने वाले हैं। बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, करंटली अपाचे RR 310 आपको 254,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ देखने मिलती है और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसमें बताया जा रहा है कंपनी ज्यादा कुछ प्राइस इंक्रीज नहीं करने वाली है, सिग्निफिकेंट थोड़े मार्जिन के साथ ही प्राइस इंक्रीज होगी, यानी कि पकड़ के चलो 3-5,000 के आसपास प्राइस इंक्रीज हो सकती है। बाकी TVS वाले अपनी प्राइस को लेकर काफी जाने जाते हैं, तो हो सकता है TVS वाले इस बाइक को सेम प्राइस के साथ ही लॉन्च कर दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, तो ये है बजाज के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू पल्सर 250F। जी हां गाइस, जो पल्सर की 220F आती थी उसी का एक अपग्रेड वर्जन हमें जल्दी इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाला है।
है जिसमें काफी सारे चेंजेस किए जाएंगे। इस बाइक को कंप्लीटली लुक वाइज चेंज किया जाने वाला है, इसकी फेयरिंग में चेंजेस देखने मिलेगा, इसका जो फ्रंट लुक है वहां पर भी आपको चेंज देखने मिलने वाला है। इस बाइक को भी अभी रिसेंटली ही इंडिया में स्पाइड किया गया था, जहां पर आप लोग अभी स्क्रीन पर इस बाइक की फोटो देख सकते हो। बात करें इस बाइक के चेंजेस के बारे में, तो इसमें आपको न्यूली 250cc डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको इसका इंजन देखने मिल जाएगा, जो कि सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन होगा। जी हां गाइस, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग के साथ इंजन नहीं देखने मिलेगा। ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो सकती है, कुछ लोगों को ये बात पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को नहीं। बाकी इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगी। वहीं बात करें इस बाइक के मैक्सिमम पावर और टॉर्क के बारे में, तो मैक्सिमम पावर बताया जा रहा है करीबन 24 HP तक आपको इस देखने मिल सकता है। डायरेक्टली BS6 नॉर्म के साथ आपको ये इंजन ऑफर किया जाएगा। वहीं बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में, 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का गियरबॉक्स ऑफर किया जाने वाला है। बाकी इसके सस्पेंशन में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक देखने मिल जाएंगे एंड रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इस बाइक के साथ ऑफर किया जाने वाला है, जिसमें आपको सभी इंडिकेशन डिजिटल फॉर्म में देखने मिलेंगे, जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सभी इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलने वाले हैं। बात करें इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और वहीं बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो इसी साल फेस्टिवल सीजन यानी दिवाली के आसपास ये बाइक हमें इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, तो ये है रॉयल इनफील्ड के तरफ से आने वाली इनकी नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350। इस बाइक को भी अभी रिसेंटली इंडिया में स्पाइड किया गया था, काफी सारे नए चेंजेस के साथ आपको ये बाइक देखने मिलने वाली है। मेनली इस बाइक का जो इंजन होगा वो मीटियोर 350 से ही लिया जाने वाला है। सेम इंजन आपको देखने मिलेगा इस बाइक में भी मीटियोर की तरह ही, जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक न्यूली इंजन है जो लेस वाइब्रेशन और मोर इफिशियंट के साथ आपको देखने मिलता है। 349cc डिस्प्लेसमेंट के साथ इस बाइक का आपको इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि एक सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन होगा और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी देखने मिल जाएगा। ये इंजन डायरेक्टली आपको BS6 नॉर्म के साथ ऑफर किया जाने वाला है। बात करें इस इंजन के मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, तो 20.2 PS का आपको इसमें मैक्सिमम पावर देखने मिल जाएगा एंड 27 Nm का आपको पीक टॉर्क इस बाइक के साथ ऑफर किया जाने वाला है। 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का इंजन ऑफर किया जाएगा। बाकी सस्पेंशन वाइज इस बाइक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने मिल जाएंगे एंड रियर में आपको मोनोशॉक। और ये बाइक आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ ऑफर की जाएगी और फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने मिल जाएगी। बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है ये बाइक भी इसी महीने 27 अगस्त को हमें इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होते हुए दिख सकती है। वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो 1,65,000 एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस के साथ हमें ये बाइक लॉन्च होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है होंडा के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू CBR 150R। इस बाइक में हमें 149.16cc डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.1 PS का 9,000 RPM पे और 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का इंजन ऑफर किया जाने वाला है। इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो फ्रंट एंड रियर में दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएगी और साथ ही के साथ आपको इसमें बताया जा रहा है ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर किया जाने वाला है और फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको अलॉय व्हील्स इस बाइक के साथ ऑफर किए जाएंगे। इस बाइक का भी काफी टाइम से इंडिया में वेट किया जा रहा है और एक स्पोर्टी लुक के साथ ये बाइक हमें देखने मिलती है। बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 1,60,000 एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस के साथ ये बाइक हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, नवंबर 2021 में ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। तो गाइस ये थी वो 7 बाइक जो हमें इंडिया में इस साल लॉन्च होती हुई दिख सकती है। बाकी और भी बाइक से जो हमें इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखने वाली है उसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।